दोस्तों नमस्कार, आज मैं हूँ सिपना में और ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा नज़ारा ये दिखाइए आप व्यूअर्स को। यानी यह जो सिपना है यह मेड़घाट की गंगा है दोस्तों, और यहाँ पर पास में ही पोहरा गांव है। पोहरा इधर कड़ाव, उसके बाद में इधर दुनी और एक उतावली, ऐसे चार गांव है। बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा यह सिपना का स्थल, और यहाँ से बहुत ही करीब यहाँ से ताप्ती नदी को जाकर यह सिपना मिलती है, और मेड़घाट की गंगा के नाम से इसे पहचाना जाता है। और हम यहाँ पर जो आए सिपना में बहुत ही ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ में विश्वजीत हेकड़े, जो अभी अभी तालुका स्तर की क्रॉस कंट्री में पहला क्रमांक लिया था, वह एक रनर है, धावक है, और वह रनर तो है ही है, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे स्विमर भी है, यानी तैराकी भी है, तैराकी में भी बहुत अच्छा करते हैं। और दूसरे हमारे साथ में है दादा जनोना से। दादा आपका नाम बताइए। काशीराम चौहान। सुरेश काशीराम चौहान, म्हणजे हा जो भाऊ शे हा आपला गवी होय, आणि सुरेश भाऊ कुठे राहत समजा जनोने 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 आणि दादा दुसरा आपला तुमचं नाव काय भाऊ? मी रमेश लक्ष्मण खडके। रमेश लक्ष्मण खडके, धाडी 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 जनोने ह्या गावले राहत। म्हणजे आम्ही इथे सहा ते सात जण आलाय, तू कढाव इथे लग्न शे आणि तू लग्न मध्ये, आणि आता पहा इथे मस्त आम्ही किराणा आनंद गिरणू। आणि जो इकडनं दृश्य दाखवा भाऊ, हा तो पूल पाहू शकतो तुम्ही। म्हणजे अरे मुझे आप लोगों को यह बताना है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त अभी यहाँ पे जो पुल का काम चल रहा है, पुल पुराना मतलब टूट चुका है, वो पुल दो गांवों को जोड़ने के लिए वो पुल बनाया गया था, लेकिन जो जो भी कोई ठेकेदार होगा उसने कितना घटिया दर्जे का काम किया है कि वो चार पाँच साल भी नहीं टिक सका और वो पुल टूट गया है ना। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ इधर देखने को मिलते हैं। मैंने मेलघाट जो है, ये मेलघाट में जितनी अच्छाई है, यानी कुदरत ने जितना अच्छा बनाया है, उतना ही यहाँ पर कुछ करप्टेड लोगों की वजह से यहाँ पे जो मेलघाट की उन्नति होना चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे वो जो विकास गंगा के लिए जो काम करना चाहिए वैसे काम करने वाले लोग नहीं आ रहे। तो धन्यवाद साथियों, बहुत ही एंजॉयबल ये दिन।